हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं आपको एक नई साइट पर लेके आया हूँ। और वैसे ये मैं जल्दी वैसे करता नहीं हूँ साइट वाइट का कि किसी की साइट में बाहर से दिखाऊँ, तो मुझे वैसे परमिशन मिल गई है तो मैं दिखा भी रहा हूँ। और वैसे परमिशन क्या, ये वैसे मेरी ही साइट है और इसमें जो भी काम होगा इन फ्यूचर, इंटीरियर तक, फिनिश तक, इस साइट का पूरा हर चीज़ मैं आपको डिटेल दूंगा और कैसे क्या चीज़ यहाँ पर बनाई गई है, क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है इंटीरियर में चाहे एक्सटीरियर में। और हाँ, यह है कि साइज जरूर छोटा है प्लॉट का, लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पे फिट होंगी वो एक लग्जरियस घर में होती ही हैं मोस्टली। तो दोस्तों, इस साइट को दिखाने का रीज़न ये है कि मैं इस साइट में अभी खैर कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, खाली एक क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग अब भी कन्फ्यूज हैं। अधिकतर लोग कमेंट करते हैं सर प्लिंथ बीम क्या है, DPC क्या है, किसका क्या लेवल होता है। तो मैं आज साइट पे आपको दिखा दूं कि क्या चीज़ है और कोशिश करूँगा कि आपकी सारी कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं साइट में। तो साइट पे चलते हैं, इस प्लॉट के साइट पे। तो जैसा कि साइट में आपको येली बीम दिख रही है, जो फर्स्ट ये बीम है, ये प्लिंथ बीम है इसकी, ठीक है। इसको कुछ लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टाई बीम भी बोलते हैं, तो प्लिंथ बीम में कह लो या फिर टाई बीम कह लो, आप अपनी जैसी समझो आपकी। तो आप देखिए, ये प्लॉट है, थोड़ा सा ये प्लॉट काफ़ी गड्ढे में बना हुआ है। रोड से अगर देखा जाए इसका फुट तो लेवल तो ये करीब 2 फीट डाउन है। तो क्या है, इसकी जो फाउंडेशन है घर की, तो इस प्लॉट का जो दिख रहा है आपको, जहाँ पर मिट्टी दिख रही है यहाँ पर, इससे करीब 5 फीट नीचे इसकी फाउंडेशन है। तो सोचिए, ये प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम इतनी हाइट पे है, फिर उसके नीचे कितनी फाउंडेशन गई है। तो फाउंडेशन काफ़ी डीप गई है यहाँ की। और ये प्लिंथ बीम का ये टॉप लेवल है, प्लिंथ बीम का जो है टॉप लेवल, ये 4 फीट का है इस रोड से, ठीक है। 4 फीट इसलिए लिया गया है क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी भी रोड यहाँ पे सीवर लाइन बनती है या फिर गैस पाइपलाइन पड़ती है तो रोड ऑलरेडी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। वैसे भी अभी यहाँ रोड कुछ बनी नहीं है, पास के घरों को आप देख ही सकते हैं कितने फिट अभी हाइट है इनकी, जब रोड बनेगी तो कितने बचेगा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें फ्यूचर को देख के बनाई गई हैं कि अगर कभी भी लेवल ऊपर हो तो कभी भी अपना घर दबा ना लगे। रैंप जो है, ऐसा ना हो कि रोड आपकी हाइट ज़्यादा हुई, आपके घर की प्लिंथ बीम की हाइट नीचे पड़ गई। और जैसे कि ये 4 फीट की हाइट है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप 4 फीट की हाइट से ही अपना रैंप नीचे लेके आओ रोड पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पार्किंग स्पेस दे रहे हो, फिर कोई स्टेयरकेस का स्पेस दे रहे हो फ्रंट पे, तो आप देखो ये 4 फीट की हाइट है और ये लेवल हमारा जो फर्श बनेगा यहाँ पे इसका लेवल है। तो इसकी और इसकी हाइट में करीब 15 से 16 इंच, 18 इंच तक डिफरेंस है। तो रैंप जो हमारा होगा तो यहाँ से तब यहाँ पे रैंप बनेगा करीब। अब भी रैंप अगर हम बनाएंगे तो 6 फीट की लेंथ में रैंप बाहर तक निकलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो प्लिंथ बीम है, तो प्लिंथ बीम आपको ये दिख रही है, तो यहाँ पे ये जो सरिया आपको दिख रही है एक्सटेंड पहले से यहाँ निकाल दी गई थे 2-2.5 फीट तक दोनों तरफ से, कि यहाँ पे प्लिंथ बीम डालने का पहले प्रोविजन था। लेकिन बाद में सोचा कि जब पार्किंग यूज में करते हैं देखेंगे हाइट कितनी हो रही है, तो उस हिसाब से सरिया छोड़ दी गई थी पहले के बाद, मतलब स्टार्टिंग में ही, कि बाद में काट लेंगे अगर कुछ करना हुआ बाद में। लेकिन खैर, यहाँ पे अब इस प्लिंथ बीम को जो सरिया है इनको काट काट कर दिया जाएगा और लेवल अपना यही रहेगा। अब बाद में इन फ्यूचर कभी भी रोड आपकी बनती है, ज़्यादा हाइट होता है, मान लीजिए जो अपनी हाइट है 2 फीट की, मान लीजिए ज़्यादा रोड की हाइट ऊपर तक आती है, तो इस लेवल को हम ऊपर तक कर सकते हैं, तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तो हमारा लगभग 18 इंच के आसपास है। तो ये जो प्लास्टर आपको दिख रहा है, ये प्लिंथ बीम तक का प्लास्टर है। ये देखो आप जो बीम दिख रही है, ये प्लिंथ बीम है। तो इतना स्पेस हमारे पास है कि फ्यूचर के लिए कभी 20 सालों के लिए तो स्पेस है कि 20 साल बाद भी मान लो ऊँचा होता है तो हम अपना येलो फर्स ऊँचा कर सकते हैं और तब रैंप अपने आप खुद ही ऊँचा हो जाएगा। अब रही बात DPC की, तो ये जो आपको बाहर दिखा है ये कोई DPC नहीं, ये सारी प्लिंथ बीम नहीं, ये DPC है आपकी। अब इसमें कई लोग कहते हैं सरिया डालें कि ना डालें, वो आपकी मर्जी, आपके पास पड़ी हो तो डाल दें, नहीं डालना तो कोई इतना वो नहीं। DPC मतलब हुआ बिना रॉड के आपके, बिना स्टील के, जो कंक्रीट होती है वो DPC कहलाती है, ठीक है। तो आप डालना हो डाल सकते हैं। देखिए ये भी DPC का फ़ायदा क्या, आप देखो, आप खुद देखो साइड पर DPC के नीचे ही सीलन है। क्यों सीलन है, क्योंकि अंदर देखिए मिट्टी भरी है साइड से, और सीलन अगर होगी फ्यूचर में तो इसी यहीं तक होगी, इसके ऊपर नहीं आएगी सीलन DPC के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं दूसरी पॉइंट से अगर देखूं, तो अगर मैं कहूं कि अगर प्लिंथ बीम जो पड़ी है इसका और क्या फ़ायदा होगा आपको, स्ट्रक्चर की बात ही मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, प्लिंथ अगर डैम्पनेस और सीलन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो इसका क्या फ़ायदा है, तो आप खुद ही देख लो सामने ही। ये प्लिंथ बीम पड़ी है, प्लिंथ बीम के ऊपर कोई भी डैम्पनेस आपको नहीं दिख रही, इधर जो सीलन आपको दिख रही है ये एक्चुअली प्लास्टर की वजह से, इसमें पूरी दीवार में नीचे देखिए सीलन है, काई लग गई है ब्रिकों में, तो ये ऐसा है क्योंकि अंदर फिलिंग हुई है मिट्टी की, वहाँ पानी गिरेगा तो उसकी वजह से सीलन हुई, या फिर प्लॉट में कहीं पानी भरा होता तो उसकी वजह से सीलन होती है। अगर यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम होता है, जैसे मान लीजिए ये घर है,
अगर यहाँ पे ये अगर घर ब्रिकवर का है या फिर जिसका भी हो, जैसे वैसे ये ब्रिकवर्क ही है, कॉलम बीम पे नहीं है, तो इसके अगर यहाँ पानी भरा होता तो इसमें सीलन आराम से ऊपर तक जाती है, अगर यहाँ DPC या प्लिंथ बीम ना पड़ी हो। ठीक है, प्लिंथ बीम पड़ने का एक फ़ायदा ये और हो जाता है कि आपकी जो भी डैम्पनेस वो सीलन होगी वो प्लिंथ बीम के नीचे रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे सीलन है, यहाँ पर देखिए कोई भी सीलन नहीं है। और दूसरी चीज़ DPC में भी यही चीज़ है। अब DPC में भी आप देख लो यहाँ पर सीलन है लेकिन ऊपर सीलन नहीं है, तो ये क्या है? कुछ जो नहीं, प्लिंथ बीम DPC एक ही काम करती है। मतलब ये स्ट्रक्चर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डैम्पनेस की बात कर रहा हूँ जो आपकी सीलन रोकेंगी, चाहे प्लिंथ बीम हो चाहे आपकी DPC हो, दोनों सीलन रोकती हैं अंदर की। बस एक कंडीशन ये है, नीचे से जो सीलन आती है उसकी बस एक कंडीशन ये है कि अगर आप ये प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी भरते हैं, जो अंदर की घर की अंदर की फिलिंग आप करेंगे, अगर वो मिट्टी इस प्लिंथ बीम से ऊपर रखेंगे, जैसे फर्स्ट ब्रिक दिख रही है यहाँ तक अगर मिट्टी रखते हैं और वो मिट्टी अगर गीली होती है तब तो सीलन 100% ऊपर आएगी। बस कंडीशन ये है, प्लिंथ बीम के टॉप से नीचे ही आपको फिनिश कर देना है या फिर प्लिंथ बीम के टॉप तक आपको पत्थर फिनिश कर देना है, इसके ऊपर नहीं लाना है। अगर ऊपर कहीं भी लाते हैं किसी केस में, अगर कोई भी डैम्पनेस का कोई भी सोर्स, पानी का कोई भी सोर्स आता है जिसके लिए सीलन होती है, तो 100% मॉइस्चर ऊपर जाएगा आपका। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो प्लिंथ बीम या आपको DPC से रिलेटेड कौन क्या चीज़ है, कितने लेवल पे है, मैं बता चुका हूँ ये देखिए 4 फीट के लेवल पे है, कभी फ्यूचर में बढ़ेगा तब भी ये कम से कम 40 सालों तक कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पे नहीं है। तो बस इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी कुछ पूछना हो आपसे, आपको मुझसे, तो आप अपनी कन्फ्यूजन मुझसे जो है पूछ सकते हैं। वैसे मैं काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, DPC क्या है, प्लिंथ बीम क्या है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।